हेलो गाइस वेलकम टू द डीवी गेमर मेरा नाम है देवास तो आज मैं खिलने जा रहा हूँ मैं के कुछ क्विज तो देखते हैं हम इनको कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं तो यहाँ पर पहला क्विज है सी तो इसको बीच भी आने को बोलते हैं हम राफ्टिंग इंग्लिश में और ये टेबल तो इसका आंसर है क्राफ्टिंग टेबल तो देखते हैं क्या है जैसे इसका आंसर क्राफ्टिंग टेबल है तो ये गोल्ड है यहाँ पर है एप्पल गोल्डन एप्पल देखते हैं इसका आंसर क्या है तो यस इसका आंसर गोल्डन एप्पल है चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर है चेस्ट और टी चेस्ट टी चेस्ट चेस्ट तो इसका आंसर चेस्ट होगा ये इसका आंसर चेस्ट है तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आओ तो यहां पर है पिग और एक्स पिकेक्स तो ये इसका आंसर पिकेक्स है और चलते अगले क्वेश्चन की तरफ तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है तो ये है हीरो इसको हम ब्राइट बोलते हैं तो हीरो ब्राइन हीरो ब्राइन तो यहाँ पर सी यहाँ पर टर्न हम इसको लैंड बोल सकते हैं शायद से तो इसका आंसर सी लेंटन हो जाएगा ये इसका आंसर यही है सी सीलेंटर्न अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो यहाँ पर वाटर है और बकेट वाटर बकेट इसका आंसर यही है तो ये पिंक है और ये सीप पिंक सीप पिंक सीप तो होगा नहीं शायद से पर यहाँ पर आइटम लिखा हुआ है पर देखते हैं इसका आंसर क्या है बस पिंक सीप ना हो तो इसका आंसर पिंक सीप ही है ओ भाई एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी ओ अच्छा। भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो, मुझे मारो, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने हमारे यहाँ ऐसा वा ही होता है अब चाहता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो ये नोवा क्वेश्चन है तो यहाँ पर एंड डियर ड्रैगन एंड नहीं तो देखते हैं आंसर ड्रैगन है तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ दसवा क्वेश्चन है तो यहाँ पर रेड और इसको स्टोन बोलते है इंग्लिश में पत्थर को तो रेड स्टोन तो देखते हैं यस इसका आंसर रेड स्टोन ही है और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यहां पर हमारा ग्यारहवा क्वेश्चन तो पर वुड मेंशन वुडन वोड़ मेंशन क्या होता है उसका नाम वुड है यस तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो यहाँ पर है आयरन हम प्रेस को इंग्लिश में आयरन बोलते हैं इसको बोलते हैं हम गोल और ये एम आयरन गोलम ये तो सिंपल था अब चलते हैं तेरहवा क्वेश्चन की तरफ तो ये चौंच है और ये एन तो चौंच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता तो देखते हैं इसका आंसर क्या है तो देखते हैं क्या आंसर है तो चौंच को हम इंग्लिश में बीक बोलते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी कन और चलते अगले क्वेश्चन की तरफ चौदहवें क्वेश्चन की तरफ तो यहाँ पर है ये लड़का इसको कुछ बोल रहा है और यहाँ पर ए बी सी लिखी हुई है तो इसका आंसर क्या हो सकता है बोलना ए बी सी तो ये कमांड दे रहा था और ये ब्लॉक है तो उसका आंसर कमांड ब्लॉक है अब चलते हैं पंद्रह क्वेश्चन की तरफ तो यहाँ पर एंड लिखा हुआ है और यहाँ पर ये यह क्या है मुझे क्रिस्टल सा लग रहा है तो शायद इसका आंसर अच्छा अच्छा एंड क्रिस्टल होगा तो देखते हैं क्या आंसर इसका तो ये सी इसका आंसर अच्छा एंड क्रिस्टल है और चलते अगले क्वेश्चन की तरफ तो यहाँ पर डॉल ये सार्क के पीछे जो बना होता है इसको हम फिन बोलते हैं तो देखते हैं डॉल फिन क्या इसका आंसर तो जैसे इसका आंसर डॉल्फिन है तो आज के लिए बस इतना ही है अगर आपको वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें धन्यवाद